सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम। ये अच्छा डिटेक्शन काला चौकी पुलिस स्टेशन ने किया है। काला चौकी पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 461/23 ये 420406 और आई टी एक्ट के अंतर्गत गुना था। उसमें एक कंप्लेनेंट थी, उन्होंने 75,000 रुपीज़ एक फेक स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए थी। क्रिप्टो अनिशा नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे ये फेक ऐड दिए जाती थी कि हमारे प्रोफाइल में इन्वेस्टमेंट करो। बेसिक इन्वेस्टमेंट 999 रुपये है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो विद इन 30 to 35 मिनट्स आपको डबल पैसे, ट्रिपल पैसे, अप टू जैसे इन्वेस्टमेंट होगा उस तरह से आपको अकाउंट दिया जाएगा। देख के कंप्लेनेंट ने इन्वेस्ट किया था और इन द उसमें उसको पता चला कि ये पूरा फेक है और उसके 75,000 उसकी फसवणूक हो गई है और ये आईटी एक्ट में वो उसका आईटी एक्ट के अंतर्गत उसने गुना दाखिल किया। इन द इन्वेस्टिगेशन हमने वेस्ट बंगाल से एक आरोपी को अटक किया है जिसने ये फेक इंस्टाग्राम स्कीम लॉन्च की थी। इन द इन्वेस्टिगेशन हमने ऐसा पाया है कि कुछ इन्फ्लुएंसर है, उनको देख के ये पूरे जो फॉलोअर्स हैं उनके ऐसे फेक स्कैम में इन्वेस्ट करते हैं। हमने वैसे 3 इन्फ्लुएंसर को यहाँ पे आरोपी बनाया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये इनके टच में थे जो आरोपियों के, और ये फेक जो स्कीम है उसको लोगों के तरफ पहुँचाने के, अपने फॉलोअर्स के तरफ पहुँचाने के लिए उससे उनको बेनिफिट भी होता था। वो पैसे भी उनसे 20,000-25,000 से एक वीडियो का लेते थे। उनको देख के बहुत से फॉलोअर्स ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया और बहुत से लोगों की फसवणूक हुए। उनका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कई आरोपी आगे निष्पन्न होने की शंका है। इन्फ्लुएंसर भी आरोपियों के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और जो फॉलोअर्स है वो ये स्कीम में इन्फ्लुएंसर ने उनको वीडियो में बोला गया है कि हमने ये स्कीम में इन्वेस्ट किया, मेरा भी पैसा सिक्योर है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। इस हिसाब से फॉलोअर्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे और अंत में उनको पता चलता था कि अपने पैसे की चीट हुई है। ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन को जो गुना है वो 10 दिन पहले का गुना है। आगे हम बैक रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं कि कब से ये स्कीम एक्टिव हुई थी। को हमने कल ही अरेस्ट किया है, आगे इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो आपको शेयर किया जाए। मुझे लगता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को पहली बार अरेस्ट हुआ है। ये अभी जो इन अभी ये एक स्कैम हमको मिला है, ऐसे बहुत से स्कैम वर्किंग है। इन द इन्वेस्टिगेशन ये आरोपी के पास 11 मोबाइल्स 11 IMEI नंबर उसके ट्रेस आउट हुए। इसका मतलब है हर नए नए स्कीम नए नए मोबाइल से वो करता है, ऐसे उसने बताया है। आगे बहुत से अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, बाद में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। अकाउंट जो यूज़ हुए वो दूसरे ही आदमी की है, लेकिन यूज करने वाले यही बंदे हैं जो आरोपी है।